अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेरजा कुरैशी हियर। जब हम वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में चंद ही नाम आते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के। नंबर वन एडोबी प्रीमियर, उसके बाद फाइनल कट प्रो और फिर वेगास प्रो या फिल्मोरा। लेकिन एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर है जिसने बहुत ही कम अरसे में अपनी जगह बना ली है और अब ये सॉफ्टवेयर सफ़े अव्वल के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में से जाना जाता है। इसकी वजह एक तो इसका इंटरफेस है और दूसरी वजह इसमें दिए गए वो फीचर्स जो इसको किसी भी लीडिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के मुकाबले खड़ा कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैपकट की। जी हाँ, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में या तो पेड होंगे या फिर होंगे ही नहीं। आई होप के आप कैपकट के इन तमाम ट्यूटोरियल्स को गौर से देखेंगे और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप इस कोर्स में या इस सीरीज ऑफ वीडियोस को फोकस होकर देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस कोर्स के एंड पर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करने लग जाएंगे। सो चलें अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम कैपकट रन करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले ये स्क्रीन आती है। यहाँ पे हमारे सामने साइन इन बटन है, होम है और माई स्पेस है। जब आप साइन इन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी कैपकट में आपका कितना स्पेस है, कितनी मेमोरी है, वो सब नज़र आएगा। और यहाँ पे आपको रिसेंट प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जो कि आपने किए हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, राइट। और जो तीन अहम बटन है वो ये, सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट, जो नई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ नज़र आएगा क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके। लॉन्ग वीडियो टू शॉर्ट्स, ये जबरदस्त फीचर है एआई कैपकट का। आप एक बड़ी वीडियो देंगे और कैपकट उसे शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा क्रिएट इमेज, इन दो बटन्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस क्लास में हम क्रिएट प्रोजेक्ट, ताकि हम कैपकट के इंटरफेस से यूज्ड हो जाए, तो क्लिक करेंगे। और राइट, सो दोस्तों ये रहा कैपकट का इंटरफेस। याद रखिए किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के जो इंटरफेस होते हैं वो तकरीबन तकरीबन आइडेंटिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने काम किया है एडोब प्रीमियर में या फाइनल कट प्रो में या इवन फिल्मोरा में और अब कैपकट में, तो ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल का बायस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब सॉफ्टवेयर्स के जो इंटरफेसेस हैं जो अभी आप देख रहे हैं सब आइडेंटिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल, या हर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगी टाइमलाइन, तो कैपकट में टाइमलाइन ये रही। हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे इंपोर्ट एरियाज, यानी कि जहाँ पे आप अपना कंटेंट रखते हैं, अपनी फुटेज, अपने अपने ऑडियो, अपने साउंड इफेक्ट्स, अपने एनिमेशंस, ये सब चीज़ें आप एक जगह रखते हैं ताकि वहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो ये रहा वो एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप सब कुछ इंपोर्ट करेंगे, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। फिर हमारे पास है प्लेयर, आप जो भी चीज़ क्रिएट करते हैं वो आपको इस एरिया में नज़र आ रही होती है। और ये है आपके पास डिफॉल्ट, ये है आपके पास डिटेल्स का ऑप्शन, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री या अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे सकते हैं। इसी एरिया में आपको जब आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई फोटेज सेलेक्ट करते हैं, कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं, कोई ऑडियो सेलेक्ट करते हैं, तो उसके पैरामीटर्स नज़र आते हैं। कैसे, हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मेन्यू है जो कि हर सॉफ्टवेयर में होता है, फाइल है, एडिट है, लेआउट है। अब लेआउट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने चार लेआउट बना के रखे हैं, ये जो डिफॉल्ट लेआउट है, ठीक है। मीडिया पे क्लिक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मीडिया का सेक्शन है वो बड़ा कर दिया। अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करें जहाँ पे आपके पास बहुत सारा कंटेंट एडिट करने के लिए, बहुत सारी इमेजेस हैं, फुटेज हैं और आपको दिक्कत हो रही है उनको तलाश करने में, तो यहाँ पे आपको इतनी बड़ी स्पेस मिल जाती है, आप सिंपली अपने मीडिया को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। प्लेयर है और यहाँ पे टाइमलाइन आपकी छोटी कर दी गई है, ठीक है। इसी तरीके से लेआउट में हम जाएंगे एट्रीब्यूट्स, तो अब ये सेक्शन बड़ा कर दिया। एट्रीब्यूट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जब हम किसी भी फुटेज को सिलेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको फिर स्क्रॉल करने में इश्यू होता है, तो फिर आप इस लेआउट पर चले जाते हैं। बाय द वे, मेन्यू में लेआउट पर आप जैसा जिस तरह जा रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेम चीज़ आएगी। इसके बाद हमारे पास वर्टिकल, अब आप देखें अब की बार इन्होंने प्लेयर्स को बड़ा कर दिया। अगर आप कोई शॉर्ट्स या रील एडिट कर रहे हैं तो आपको बड़ा स्पेस चाहिए होता है उसको प्रीव्यू करने के लिए, तो आपके पास अब ये प्लेयर बड़ा हो गया और आप इजीली अपने वीडियो को अच्छे से प्रीव्यू कर सकते हैं, टाइमलाइन को छोटा कर दे गया। बहरहाल मैं इसे रीसेट कर देता हूँ अपने डिफॉल्ट में, ठीक
ठीक है। अच्छा, अगर मैं मॉडिफाई की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है आप उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास फाइल का नाम है, फाइल का नाम हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कर देंगे और अपनी फाइल का नाम रख देंगे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये देखिए हमारी फाइल का नाम चेंज हो गया। सेव कहाँ हो रही है वो एरिया भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एस्पेक्ट रेशो, ओरिजिनल रेजोल्यूशन, एडॉप्टेड फ्रेम रेट 30 FPS, ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। कहाँ सेफ होगी वो चेंज कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशो ओरिजिनल है। अच्छा, ये क्या है, 16:9, 4:3, ये अगर आप एच डी वीडियो जिसकी रेजोल्यूशन 1920x1080 है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका रेशो 16:9 होता है। कोई आप स्क्वायर करना चाह रहे हैं टाइप की तो 4:3 कर सकते हैं, 2:1 कर सकते हैं, 9:16 जो कि हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं आजकल रील या शॉर्ट्स के लिए। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसका रेशियो होता है 9:16। मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा, सेव कर दूंगा, तो अब ये देखें हमारी वीडियो का जो रेशियो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा थोड़ी देर में। बहरहाल, मैं ऐसे चेंज करके ऑरिजिनल कर देता हूँ। अलबत्ता यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं, फ्रेम रेट आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। प्लेयर के अंदर अगेन जो वीडियो हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे नजर आती है। ये है हमारी टाइमलाइन, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि टाइमलाइन पे हम कैसे काम कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हमें हम यूज करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास रह गया एक और इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इस सॉफ्टवेयर का, जो कि इम्पोर्ट हम यहाँ देख रहे हैं, इम्पोर्ट है यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन तमाम ऑप्शंस पे हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप कैपकट के इंटरफेस से मानूस हो जाए। अच्छा, सर, हम शॉर्टकट्स की बात भी कर लें। शॉर्टकट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पे हमारे सामने ये पैनल आता है। शॉर्टकट्स क्या करते हैं, शॉर्टकट्स आपके वीडियो एडिटिंग के प्रोसेस को बहुत स्पीड अप कर देते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया है, मेरे पास जो एडोब प्रीमियर है उसके जो शॉर्टकट्स उसके जो शॉर्टकट्स हैं वही मैंने अपने जो पीसी है, मेरा पर्सनल पीसी, वहाँ मैंने उसको सेम करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्प्लिट, स्प्लिट क्या होता है, एक वीडियो को दो हिस्सों में तकसीम जब करते हैं तो उसके लिए हम स्प्लिट कमांड यूज़ करते हैं, और यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर दूंगा। मैं जिस तरीके से स्प्लिट करता हूँ एडोब प्रीमियर में, उसकी शॉर्टकट की 4 है, तो मैं यहाँ 4 प्रेस कर दूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे एक टाइमलाइन में जितनी वीडियोस रखी हुई हैं अगर उनको स्प्लिट करना हो एक साथ, तो मैं यहाँ भी चेंज कर दूंगा, मैं Ctrl+4 कर दूंगा। तो अब ये मेरे शॉर्टकट बन गया। आप अपनी पसंद से जिस की को आपको लगता है कि हाँ इस की से मेरा काम आसान हो जाएगा, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइमलाइन के शॉर्टकट्स हैं, ये प्लेयर के शॉर्टकट्स हैं, ये रहा प्लेयर बेसिक जिसमें कट कॉपी पेस्ट आते हैं, वो बाय डिफॉल्ट रहते हैं, उसे आप छेड़ दिए तो ऐसे रखे रहने दें, और अदर्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये शॉर्टकट्स बना सकते हैं, ये आपके काम को तेज कर देते हैं। सो दोस्तों, इस पहली क्लास में हमने कैपकट के इंटरफेस को समझा। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह जब हम अगली क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे आपके लिए काम करना कितना आसान होगा, क्योंकि आप इन तमाम ऑप्शन से मानूस हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट क्लास में।